नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूँ आपके साथ मेघना सचदेवा। बीमारियों को दूर करने के लिए आप सभी दवाएं लेते होंगे। कोई एलोपैथिक दवा लेता है तो कोई होम्योपैथिक दवा लेता है, लेकिन भारतीय दवाइयों का इतिहास क्या है कि इस पर कभी आपने गौर करने की कोशिश की है? देखिए, प्राचीन ग्रीस से लेकर चीन, जापान, कंबोडिया, मंगोलिया और रूस तक भी भारतीय दवाइयों का इतिहास फैला हुआ है। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक के वक्त की कुछ दिलचस्प बातें पुणे के भंडारकर प्राचीन शोध संस्थान ने साझा की हैं। आइए जानते हैं। भारतीय दवाइयां प्राचीन भारत में निर्यात की जाती थी। भंडारकर प्राचीन शोध संस्थान ने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया कि भारतीय सभ्यता ने प्राचीन समाज के लोगों से कुछ हजार साल पहले ही संपर्क बनाया था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया और प्राचीन समाज के लोगों में समझ बढ़ी, तो उन्होंने भारतीय सभ्यता के साथ नए सोच विचारों का आदान प्रदान शुरू कर दिया। विज्ञान, गणित, खगोल और चिकित्सीय विषयों में नए विचारों को साझा किया गया। उस वक्त हर समाज और सभ्यता की दवाइयां बनाने का तरीका अलग अलग था। हर विषय पर सबका नजरिया भी कुछ अलग था। हालांकि भारतीय दवाइयां तब भी प्राचीन भारत में निर्यात की जाती थी। फिलोजत के लेख में भारतीय दवाइयों के बारे में क्या लिखा है? भंडारकर प्राचीन शोध संस्थान ने जीन फिलोजत के एक लेख का जिक्र किया। ये लेख भारतीय दवाइयों के विदेश में बढ़ते कदमों के बारे में है। बता दें कि 1964 में ये लेख दुनिया की संस्कृति और सोच में भारत का योगदान में छपा था। जानकारी के मुताबिक प्राचीन यूनानी और प्राचीन भारत में दवा बनाने का तरीका काफी ज्यादा समानांतर था। हिपोक्रेटिक शपथ और आयुर्वेदिक ग्रंथों में सांस का जिक्र है, जिसे हम संस्कृत में प्राण कहते हैं और ग्रीक में इसे नूम कहा जाता है। वातावरण में यही हवा का रूप ले लेती है और हमारे शरीर में सांस बनकर हमारे शरीर के मूवमेंट में मदद करती है। ये कहना गलत होगा कि ये हिपोक्रेटिक शपथ और आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखी बातें एक दूसरे से ली गई है। लेकिन अगर हम फिलोजत के लेख का जिक्र करें तो उसमें प्राचीन भारत की दवाइयों को बनाने का तरीका कैसे बाकी सभ्यताओं को प्रभावित कर रहा था, उसके भी कई उदाहरण हैं। प्लेटो के संवादों में एक तिमियस और आयुर्वेद के त्रिशोध विज्ञानम को अगर देखें तो दोनों में लिखी बातों में समानता मिलेगी। प्लेटो ने तिमियस में जो विचार साझा किए हैं वो ग्रीक संस्कृति से अलग है। सांस जो की हवा का रूप है, पित्त जिसे अग्नि मान रहे हैं और बलगम जिसे हम पानी मानते हैं। प्लेटो के तिमियस में लिखे गए विचारों के मुताबिक स्वास्थ्य इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। ये बातें त्रिदोष विज्ञानम में पहले से मौजूद हैं, यानी ये बातें भारत ने प्लेटो के संवाद से तो नहीं ली हैं। हालांकि अगर हम बात करें ग्रीक की, तो जब ग्रीक में ईरानी शासन था तब विज्ञान से जुड़ी हुई बातों का आदान प्रदान और मेलजोल काफी बेहतर और आसान था। खासकर भारत और कई देशों के बीच संबंध अच्छे थे। माना जाता है कि उस वक्त भारत का प्रभाव काफी ज्यादा था। खासकर प्लेटो की लिखी बातों से भी यही लगता है। हिपोक्रेटिक कलेक्शन की बात की जाए तो भारत में बनने वाली दवाओं और उसके तरीके जैसी बहुत सी जानकारी मिल जाती है। मध्य एशिया में कैसे बड़ा भारत की दवाइयों का प्रभाव? जैसे जैसे वक्त बीता, पूर्व की ओर भी मध्य एशिया में भारत का प्रभाव बढ़ता चला गया। उसके बाद चीन से लेकर एशिया के कई हिस्सों तक ये प्रभाव फैलता गया। इसी युग में बौद्ध धर्म के शुरू होने की बात भी कही गई है। कई भाषाओं में हुआ भारतीय शिक्षा का अनुवाद। फिलोजत ने आगे लिखा कि मध्य एशिया में कई हस्तलिपियां मिली हैं, इनमें से कई संस्कृत में लिखी गई हैं। कई हस्तलिपियों में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी है, तो कई दवाइयों के विषय में संस्कृत में लिखी गई हस्तलिपि है, जिसको स्थानीय भाषाओं में बदला गया है। इनमें से बोवर पांडुलिपि में चिकित्सा संबंधित संस्कृत में लिखी गई बातें हैं। इसमें योग शतंग का जिक्र भी है। भारत में इसके बारे में समझाया भी गया है। संस्कृत में लिखे गए शब्दों को स्थानीय भाषाओं के साथ या तो बदल दिया गया या उसी के साथ लिखा गया है। इसमें आयुर्वेद के अष्टांग के बारे में लिखा है। 7वीं सदी में चीन के तीर्थयात्रियों ने जो लिखा ये बिल्कुल उसके जैसा है। इन्हीं शब्दों को फिर से तिब्बती भाषा में तब्दील किया गया। जानकारी के मुताबिक 19वीं सदी में इसका इस्तेमाल श्रीलंका में किया जा रहा था। अगर बात की जाए चीन, जापान और कोरिया की, इन देशों के पास दवाई बनाने का अपना अपना तरीका था, इसीलिए इन्हें भारतीय दवाइयां ज्यादा पसंद आने लगी और इन्होंने भारतीय दवाइयां बनाने के तरीकों से ज्यादा भारतीय दवाइयां लेना शुरू कर दिया। जापान में 8वीं सदी में भारतीय दवाइयों को संभाला भी गया था। इसके बाद कंबोडिया में शिलालेखों पर संस्कृत में दवाइयों के बारे में लिखा है। तिब्बत में भी भारतीय दवाइयों को काफी लोकप्रियता मिली और धीरे धीरे तिब्बत में इसे पूरी तरह से अपना लिया गया। कहा जाता है कि 8वीं सदी में भारत में लिखी गई अमृत हृदय को संस्कृत से तिब्बत में अनुवाद किया गया।
इसके बाद इस लेख में लिखी गई शिक्षाओं को भैष जय गुरु कहा जाने लगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका संस्कृत से कोई संबंध नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें सुश्रुत से ली गई कई बातें हैं। इसके बाद इसे तिब्बत से मंगोलिया में अनुवाद किया गया, फिर रूस में अनुवाद किया गया और वहां भी इन शिक्षाओं को अपनाया गया। मंगोलिया के संस्करण के साथ रूस में लिखी गई शिक्षाओं को कई जगह प्रकाशित किया गया है। जब इस्लाम में विज्ञान की चर्चा शुरू हुई तो आयुर्वेद की कई शिक्षाओं को फारसी में अनुवाद कर दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे कई और भारतीय शिक्षाओं को अरबी में अनुवाद किया गया। 850 ईस्वी में एक फारसी चिकित्सक ने फिरदौस उल हिकमत लिखी, जिसमें भारतीय दवाइयों के बारे में जानकारी है। भारत में बनाई गई दवाइयों पर कैसे कई सभ्यताएं निर्भर थी, उसकी ये प्रेरणादायक कहानी हमें भारतीय दवाइयों के इतिहास और उन्हें बनाने के तरीके के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका देती है। हालांकि भारतीय दवाइयों उनके इतिहास के बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। वहीं भंडारकर शोध संस्थान ने एक तस्वीर साझा की है। ये तस्वीर है सबसे पुरानी चिकित्सीय पांडुलिपि में से एक की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इस तरह की और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।